हमारे पास एक ऑटोमेटा है जिसमें कि इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेट में इनकमिंग ट्रांजिशन है। सो हम क्या करेंगे कि इनिशियल स्टेट से एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन ऐड कर देंगे इनिशियल स्टेट की तरफ, और ऑटोमेटा मेरा वैसे ही है, बट इसमें मैंने केवल एक एडिशनल स्टेट को ऐड कर दिया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो इनिशियल स्टेट है वही फाइनल स्टेट है, मतलब ये वाली स्टेट। तो फाइनल स्टेट से आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आउटगोइंग ट्रांजिशन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन ऐड करके न्यू फाइनल स्टेट बना देंगे। सो नाउ यू आर रेडी विद द ऑटोमेटा या एप्सिलॉन एनएफ है जिसको कि हमें कन्वर्ट करना है। सो आइए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में बाय दी स्टेट एलिमिनेशन। तो जो सबसे पहली स्टेट हमें एलिमिनेट करनी चाहिए वो इस स्टेट को करना चाहिए, और इस स्टेट को जब आप एलिमिनेट करेंगे सो व्हाट इफेक्ट दिस विल गिव। सो पॉज दिस वीडियो फॉर सम टाइम एंड देन यू कैन आंसर मी दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर। अगर हम स्टेट की नंबरिंग करें सो दिस इज वन एंड दिस इज टू, तो वन से टू आप वन पे पहुंच रहे हैं, वन से टू आप किस पे पहुंच रहे हैं, वन पे पहुंच रहे हैं, और वन पे एक साइकिल, वन पे एक जीरो है जो कि साइकिल है, एंड देन इसके बाद आप जीरो से वन पे वापस आ रहे हैं। और ये जो पूरी चीज है वो आपकी एक साइकिल में है। वन, देन उसके बाद जीरो का साइकिल एंड देन जीरो, सो वन प्लस जीरो का साइकिल एंड देन जीरो। ओके, सो हाउ विल वी कन्वर्ट दिस? दिस इज लाइक वन जीरो स्टार एंड जीरो, वन जीरो स्टार एंड जीरो। ओके, सो वन जीरो स्टार एंड जीरो। थोड़ा सा इसको अपनी सहूलियत के लिए मैं कुछ सिंबल्स चेंज कर रहा हूँ, आई होप यू विल एक्सेप्ट दिस। ये जो जीरो ट्रांजिशन, इसको मैं वन ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ जिससे कि आप और आसानी समझ सकें। सो दिस इज वन जीरो स्टार एंड देन वन, नॉट जीरो। सो वन जीरो स्टार एंड वन। एलिमिनेट करेंगे स्टेट तो कैसे ऐड होगा ये? ये मेरा स्टेट नंबर वन है जहां पे जीरो का ट्रांजिशन पहले से है, और जब हम स्टेट नंबर टू को एलिमिनेट कर रहे हैं सो दिस इज गिविंग द इफेक्ट वन जीरो स्टार वन। और ये कई बार रिपीट हो सकता है सेम चीज, क्योंकि आप वन से टू जा सकते हैं, वन से टू, टू से वन, वन से टू, टू से वन। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे साइकिल में ही होना चाहिए, इसलिए हो गया वन जीरो स्टार वन, एंड देर इज अ आउटगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम हियर विच इज लीविंग अस टू फाइनल स्टेट। नाउ अगर आप केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को रखना चाहेंगे तो उस केस में हमें इस स्टेट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और ये जो स्टेट है एलिमिनेट जब आप करेंगे सो इसका मीनिंग हो जाएगा जीरो प्लस वन जीरो स्टार वन, और इसका पूरे का साइकिल। पूरे का साइकिल क्यों? क्योंकि आप कई बार इसको रिपीट कर सकते हैं। सो द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस ऑटोमेटा हैज बिकम जीरो प्लस वन जीरो स्टार वन एंड इट्स क्लोजर। सो आई होप आपको ये समझ में आया।